अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर आप टेंथ का पेपर बताएं, टेंथ का पेपर कैसे होता है। हालांकि एफएससी को पढ़ाते हैं, टेंथ का भी इंशाल्लाह यहां पर बड़ी जल्दी हम शुरू करेंगे। तो चूंकि टेंथ के एग्ज़ाम्स आ गए हैं तो मैंने कहा चलो एक छोटी सी टिप आप लोगों के लिए पेश कर देते हैं कि आपने पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है, एक प्रॉपर मैथड जिससे आप पेपर को अटैम्प्ट करते हैं। होता क्या है, हमारे यहाँ पर बच्चे को सारा पेपर आता है A to Z, बट बच्चा कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देता है पेपर अटैम्प्ट करने का, उसे पैटर्न नहीं पता होता, जिसकी वजह से अक्सर ये होता है कि उसके मार्क्स काफ़ी कम आते हैं। एक तो ये होता है, दूसरा इस टेक्निक से अक्सर उन बच्चों के मार्क्स भी बहुत अच्छे आए हैं जिनको कुछ इतना खास पेपर का आता पता नहीं था। मतलब कि उनको ऐसे समझ लें कि जस्ट पासिंग मार्क्स वाले जो बच्चे होते हैं उनके अच्छे खासे नंबर आ गए इस टेक्निक से। क्या एक अच्छा सा पैटर्न एग्जामिनर को आपने जो आगे पेश करना है, जो उसके सामने आपने रखना है पेपर, वो आपके पेपर को देखे और उसे एक एक चीज़ वाजिया नज़र आ रही हो, तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो आपको बड़े अच्छे नंबर दे के जाएगा एग्जाम में, क्योंकि आप उसके लिए आसानी पैदा कर रहे हो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। अब आपके पास सबसे पहले तीन चीज़ें लाजमी होनी चाहिए इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, चार चीज़ें अच्छी बात है, तीन चीज़ें कम अज़ कम आपके पास लाजमी होनी चाहिए। वो तीन चीज़ें क्या हैं, मैं इधर लिख देता हूँ। एक, आपके पास एक प्रॉपर ब्लू पेन होना चाहिए, ब्लैक पॉइंटर, डॉलर वाला या काफ़ी कंपनियों का डियर वगैरह का वो। उसके बाद एक ब्लू मार्कर, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा अगर आप रखना चाहते हैं तो ब्लैक मार्कर। ये चार चीज़ें आपके पास हों, ठीक है। इसके अलावा बाकी चीज़ें जैसे कि आपके पास एक कच्ची पेंसिल हो, इरेज़र हो, शार्पनर हो, फिर आपके पास एक स्केल हो, फुल लेंथ स्केल, ठीक है। तो वो मैं चीज़ें इधर लिख देता हूँ, स्केल, ठीक है, उसके बाद पेंसिल, लेड पेंसिल, ठीक है, उसके बाद इरेज़र, उसके बाद आपके पास शार्पनर, उसके बाद आपके पास पेंसिल, रेजर, शार्पनर, उसके बाद स्केल आ गया, उसके बाद आपके पास होना चाहिए क्या कहते हैं उसे, रिमूवर। ऑल दो रिमूवर अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन आप रख सकते हैं। MCQs में तो बिल्कुल इससे आपने पंगा नहीं करना, क्यों, ठीक है, क्योंकि वो बबल होता है, वो पता लग जाता है फौरी, तो रिमूवर को आप स्किप ही कर दें तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन आप रख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो रिमूवर अक्सर एग्ज़ाम सेंटर में रिमूवर ले लिया जाता है, तो आपकी मर्ज़ी है, आपने रखना हो रख ले, नहीं रखना हो ना रखें। और उसके बाद रिमूवर के साथ आपके पास एक ब्लू बॉल पॉइंट लाजमी होनी चाहिए। ये क्यों ज़रूरी है, उसकी वजह यह है कि अक्सर औकात हमारा जो पेन होता है ना, जैसे साया भी साथ छोड़ जाए ऐसी या तनहाई, वैसा हो जाता है, ये अक्सर पेन हमारा साथ छोड़ जाता है, अक्सर इसकी निब का मसला आ जाता है, निब टूट जाती है, कोई भी मसला, तो फिर पेपर तो अटैम्प्ट करना है तो ब्लू बॉल पॉइंट। ब्लू बॉल पॉइंट से अच्छी एक और चीज़ भी है जो कि पेन के असरात छोड़ती है आपके पेपर के ऊपर, वो है जी ब्लू पॉइंटर, ठीक है। तो ये आपके वो हथियार हैं, जंग के हथियार हैं, तो ये हथियार आप अपने साथ लेके जाएं अगर एक अच्छा इंप्रेशन देना है आपने एग्जामिनर को। ठीक है, अब शुरू करते हैं हम टेंथ के पेपर से। हमारा जो टेंथ फिजिक्स का पेपर है, इसके मार्क्स किसी को पता है कितने हैं? टेंथ फिजिक्स के पेपर के मार्क्स हमारे पास 60 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं जी? 60। आप लोग टेंथ में हैं तो आपको आइडिया होगा, आपने नाइन्थ का पेपर भी दिया है तो 69th के हैं, 60 10th के हैं, तो 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है, तो ये आपके हैं जी 60 मार्क्स। ठीक है, इन 60 मार्क्स की डिवीजन कुछ यूँ है कि आपके पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 होता है जी, और इसके अंदर कितने MCQs होते हैं? 12 MCQs, ठीक है, 12 MCQs होती है जी।
और 12 के 12 ही एमसीक्यूज आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये 12 के 12 आप अटेम्प्ट करते हैं, अब 12 के 12 आप अटेम्प्ट करेंगे, हर एक एमसीक्यूज का एक नंबर होता है, तो अगर एमसीक्यूज के गलत हो गया तो वो एक नंबर गया, यानी कि एक्स्ट्रा कोई इसमें नहीं होता, ऑप्शनल कोई एमसीक्यूज नहीं होता, 12 के 12 करने हैं, नहीं करेंगे नंबर उड़ जाएंगे। तो अब 12 एमसीक्यूज को कैसे करना है, ये आपको पता है कि आपके पास एक बबल शीट होती है और एक एक्स्ट्रा पेज होता है जिसके ऊपर एमसीक्यूज होते हैं, तो उस एमसीक्यूज के उधर से आपने उसका ऑप्शन देखना है और उसके लिहाज से क्या फिल करना है, बबल। दो चीज़ें ज़हन में रखनी है जब भी आप एमसीक्यूज हल कर रहे हैं, बबल फिल कर रहे हैं। अगर इधर क्वेश्चन नंबर 1 है, एमसीक्यूज के आगे पार्ट्स होते हैं जी, कितने पार्ट्स होते हैं जी, 12 ये रोमन में आई थिंक चलते हैं, ठीक है जी, ऐसे, एंड ये जा रहा है, ये आ गया जी आपके पास x और ये एक्स आई आई, ये 12 एमसीक्यूज, ठीक है। अब आपने जो इधर क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज नंबर देखा है, या अगर 1, 2 में आया तो वैसे देख ले, तो आपने देखा कि अगर ये 2 का ऑप्शन बी ठीक है तो आपने उस बबल शीट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, बबल नंबर 2, और उसके आगे जो 4 ऑप्शन है ABCD उसको देखते हुए वो वाला बबल एग्जैक्टली फिल करना है। इसके अंदर क्रॉसिंग अलाउड नहीं है, मींस कि अगर आपने ऑप्शन बी लगा दिया, बाद में आपको पता लगा नहीं यार इसका तो सी था, चलो इसको क्रॉस करके सी लगा दें, तो वो ऑप्शन अब भी गलत ही काउंट किया जाएगा। दूसरा, एक बबल यानी कि एक एमसीक्यू उसके एक से ज़्यादा बबल फिल करना, वो भी नॉट अलाउड है, यानी कि वो नंबर भी आपका क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ज़ाया हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये हो गया जी आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन, कितने मार्क्स है, 12 एमसीक्यूज हैं और मार्क्स कितने हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव पोर्शन के, 12 मार्क्स, ठीक है जी। अब हमारे पास है जी पोर्शन 2, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जी सब्जेक्टिव। इसके अंदर हमारे पास होते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। बट होता क्या है कि हमारे पास इसके दो हिस्से होते हैं सब्जेक्टिव के, पार्ट 1, ठीक है, और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमारे पास 3 सवालात होते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 2 प्लस क्वेश्चन नंबर 3 प्लस क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और ये सब कौन से क्वेश्चंस होते हैं जी, शॉर्ट या शॉर्ट्स कहने हैं, ठीक है जी। अब इसके अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर 8 क्वेश्चन होते हैं जी, इसके अंदर 8 यानी कि टोटल क्वेश्चंस, ठीक है। कंपलसरी कितने होते हैं, कंपलसरी मीन कि जो आपने लाजमी अटैम्प्ट करने हैं, तो इसमें से भी आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, इसमें से भी 5 और इसमें से भी 5, इसका मतलब है टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 15, और ये हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो टोटल कितने हो गए, 30 मार्क्स। इसका मतलब ये बना भाई कि सब्जेक्टिव पार्ट 1 में हमारे पास 15 शॉर्ट क्वेश्चन हमने हर हाल में अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन याद रखें कि 15 शॉर्ट क्वेश्चन का ये मतलब नहीं है ये टोटल कितने हैं, 24, तो 24 में से कोई भी 15, ये मतलब नहीं है। ये जो 5 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 2 के 8 में से हमने 5 अटेम्प्ट करने हैं तो इस हिस्से के हमें मार्क्स मिलेंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आपने लेट्स सपोज 8 आपको ये सारे आते थे, आपने कर लिए, इधर से आपको आते थे लेट्स सपोज 7, ठीक है, तो आपने 7 इधर से कर लिए। अब मुझे बताएं आपको एग्जामिनर कितने मार्क्स देगा, 8 और 7 कितने होते हैं, 15, तो आपके एग्जामिनर 30 मार्क्स देगा, कभी भी नहीं देगा। आपके इन 8 में से सिर्फ 5 ही काउंट होंगे, तो उन 5 के सिर्फ आपको मार्क्स मिलेंगे, और वो 5 के कितने मार्क्स देगा आपको जी, 10, और इधर आपने 7 किए हैं तो 7 के 7 के मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, बल्कि इधर भी सिर्फ 5 के मार्क्स काउंट होंगे, और इसके कितने काउंट होंगे, 10, तो आपने तो 30 लिए थे लेकिन हुए कितने, 10 और 10, तो कितने आपको मार्क्स मिलेंगे, 20। तो इसका मतलब है कि आपने जो पार्ट आप कर रहे हो उसी पार्ट के ही 5 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, किसी और पे जाएंगे करेंगे गलत, वो हमारे काम का नहीं है। हाँ, अब रही बात की इधर बचे कितने, 3, 3 और 3, इनका क्या काम है भाई, इन्हें बोलते हैं हम चॉइस, ठीक है जी, चॉइस। तो ये चॉइसेस हैं 3, 3, 3। अब ये क्यों दी जाती हैं, 8 क्वेश्चंस हैं, अब आप मुझे 8 में से, 8 के 8 नहीं आते, मुझे 8 में से पहला क्वेश्चन नहीं आता, या लेट्स सपोज पहला आता है, दूसरा नहीं आता, पांचवा आता है, सातवां आता है, आठवां आता है,
लेकिन मुझे इस 8 में से 5 आते हैं, तरतीब में नहीं आते लेकिन इसमें से 5 आते हैं, तो ये 3 है ये मैं छोड़ सकता हूँ क्योंकि इनके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। आप अटैम्प्ट करें तो भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है जी, ये हो गया आपका पार्ट 1 किसका, सब्जेक्टिव का। अब आ जाए पार्ट 2 पे, जैसे आप कहते हैं हिस्सा 2। हाँ सॉरी, इधर उर्दू मीडियम वाले भी लोग थे तो हिस्सा अव्वल और हिस्सा 2। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तो वैसे ही होता है, इसमें उर्दू में भी एमसीक्यूज होते हैं आपके सामने, हथियार आपने याद रखने भाई। अब अटैम्प्ट करने की टेक्निक आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप समझ लें पेपर में होता क्या है। इसके अंदर आपके पास होते हैं जी 3 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, 3 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी। अटेम्प्ट कितने करने हैं, इसमें से कोई से 2 करनी है। अब जो पार्ट 1 होता है ये मोस्टली थ्योरी होता है और पार्ट बी होता है जी आपका न्यूमेरिकल, ये थ्योरी, ये न्यूमेरिकल, ये थ्योरी और ये न्यूमेरिकल। ठीक है जी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, थ्योरी है जी 4 मार्क्स की, न्यूमेरिकल है जी 5 का, 4 5 4 5, ये जी इसकी है जी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब अटैम्प्ट कितने करने हैं, इसमें से हमने अटैम्प्ट करने हैं कोई से 2, यानी कि एनी टू का ये मतलब नहीं बनेगा कि ये 6 में से हमने 2 करने हैं, नहीं, हमने इन 2-3 क्वेश्चन में से 5, 6 और 7 में से कोई से 2 करने हैं। अब वो आपकी मर्जी है, लेट सपोज मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मैं क्वेश्चन नंबर 6 करूंगा और क्वेश्चन नंबर 5 करूंगा, अब ये मेरे ऊपर लाजिम हो गया है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 को अगर चूज किया है तो क्वेश्चन नंबर 5 के ही दोनों पार्ट मुझे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे तो मुझे इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। कितने फुल मार्क्स बनते हैं जी टोटल, इधर 9 और इधर 9, इधर 9, लेकिन हमने 2 अटेम्प्ट करने हैं तो इस पार्ट बी, ये जो पार्ट 2 है हिस्सा 2 में, इसके टोटल कितने मार्क्स बनेंगे, 9 और 9 18, तो टोटल मार्क्स इधर कितने आ गए जी 18। अब आप इन सबको जरा एक बार जमा कर लें फिर हम आगे आते हैं, 18 एंड 30 कितने हो गए जी 48, 48 और 12 60, तो 60 मार्क्स आपके पूरे हो गए। अच्छा अब मैंने अगर क्वेश्चन नंबर 5 को चूज किया है तो क्वेश्चन नंबर 5 की ही थ्योरी करनी पड़ेगी और क्वेश्चन नंबर 5 का ही न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। अगर मैंने ये कर दिया तो क्वेश्चन नंबर 5 का तो थ्योरी कर दिया, न्यूमेरिकल मुझे 7 का आता है तो मैंने इसका 7 का न्यूमेरिकल कर दिया। अब एग्जामिनर क्या करेगा, वो देखे यार इसने थ्योरी इसकी की न्यूमेरिकल इसका किया, तो वो देखेगा ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, आपको उस पोर्शन के क्वेश्चन को वो सिलेक्ट करेगा, तो 7 के ज़्यादा तो वो कहेगा अगर इसका न्यूमेरिकल ठीक है तो न्यूमेरिकल से नंबर दे दो, अगर थ्योरी में ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं तो थ्योरी में से दे दो, लेकिन वो फिर इन दोनों में अब उसके पास चॉइस चली जाएगी कि वो सिलेक्ट कौन सा करना चाहेगा 5 या 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है कि अगर आपने 6 को अटेम्प्ट करना है तो 6 का ही ए करना पड़ेगा पार्ट और 6 का ही बी, देन आपको 4 और 9 5, टोटल 9 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने ये कर दिया तो 5 का ए पार्ट कर दिया, 6 का बी पार्ट कर दिया, 7 का ए पार्ट कर दिया, तो अब एग्जामिनर के पास चॉइस चली जाएगी, वो देखेगा सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से क्वेश्चन में बनते हैं, 5 में 6 में 7 में, एक तो उसके लिए कंपलसरी है कि एक तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, बाकी 2 में उसके पास चॉइस आ जाएगी कि कौन से में ज़्यादा मार्क्स बने हैं, फिर उसके उस पोर्शन के उस क्वेश्चन को वो ले लेगा आपके 2 मेजर क्वेश्चन, यानी कि 5 या 6 या 7, और फिर उसके मुताबिक वो आपके टोटल इन 18 मार्क्स में से टोटल जो मार्क्स बनेंगे वो आपके पार्ट 2 पार्ट 2 में से बन जाएंगे हिस्सा 2 से, ये फिर इधर के 30 और वो टोटल आपके कितने हो जाएंगे 60। तो ये था आपका प्रॉपर जो 10th फिजिक्स का पेपर पैटर्न। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो टेक्निक देखते हैं, यह हाल दो आपको बड़ा बेहतरीन समझ आ गया होगा, अब टेक्निक देख लेते हैं। आपको पता है इसको अटेम्प्ट करने का कितना टाइम होता है 60 मार्क्स के पेपर को, 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे में आपने पेपर अटेम्प्ट करना होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए मिलते हैं आपको 15 मिनट्स और सब्जेक्टिव के लिए कितने मिनट्स मिलते हैं, 1 आवर एंड 45 मिनट्स। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 2 आवर्स, 120 मिनट्स का आपका यह पेपर होगा। अब आपके पास सबसे पहले
जब एग्जामिनर आएगा तो सबसे पहले आपको वो क्या देगा, आंसर बुक देगा। वो एक आपने देखी होगी, वो शीट्स लगी होती हैं, उसको सिलाई किया होता है और वो पूरी एक शीट देगा आपको, उसको बोलते हैं हम आंसर बुक। आपको सबसे पहले उसने आंसर बुक दे देनी। अब आपके हथियार, इन्होंने जादू दिखाना है। अब होता क्या है कि आपकी आंसर बुक, ये जो मैं रेड से बना रहा हूँ, ये लेट्स सपोज एक पेज है आंसर बुक का, ठीक है। उस आंसर बुक के ऊपर सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपनी वल्दियत, जो जो उसके अंदर आपसे पूछी गई हैं क्वेश्चंस, यानी कि चीज़ें जो पूछी गई हैं, दरकार है, वो आपने लिखनी है फर्स्ट पेज पे। देन आप पेज आगे करते हैं तो उधर, ठीक है। ये दोनों आपने कंपलसरी सबसे पहले काम यही करना है, ताकि एग्जामिनर आपको बाद में आए, आप पेपर अटैम्प्ट करें, वो देखे यार मैंने साइन करने, जब वो साइन करने लगता है वो देखता है यार आपने कुछ फिल ही नहीं किया, वो आपसे बहस करता है। उस बहस के चक्कर में आपके 120 मिनट में से टाइम ज़ाया हो रहा है। हालांकि वो 120 मिनट तब शुरू होंगे, 120 मिनट कब शुरू होंगे, जब आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा, 120 मिनट तब शुरू होंगे, ठीक है। आप वॉच पे अपना टाइम देख ले, एग्जामिनर आया तो आपके भी सर मुझे इतने बजे मिला था और इतने बजे मैंने देना, ये होता है पेपर टेक्निक, ठीक है। तो आपने ये जो पहले जो टाइम दिया गया आपको, ये टाइम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। इसके ऊपर आपने जो उस पेपर के ऊपर आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि भाई नाम क्या है, वल्दियत क्या है, बबल्स वगैरह, वो जो फिल करने होते हैं रोल नंबर के, वो आपने करने हैं, ठीक है। अगले पेज पे अब टाइम बचा है, क्योंकि इतना इतनी ज़्यादा वाम है, पेपर्स आने हैं, तो टाइम बचा। अब आपने क्या करना है, स्केल निकाल लेना है फौरी, और एक ब्लू मार्कर निकाल लेनी है, एक ब्लू मार्कर निकाले। अब आपके पास ये शीट्स होती हैं, इसके ऊपर ये पेजेस होते हैं, ये पेज मैं इधर भी बना देता हूँ, ठीक है। तो इसके ऊपर आपके पास आई थिंक 20-21 पेजेस होते हैं, ठीक है। तो ये मैं पेजेस बना देता हूँ। अब ये पेजेस ना बिल्कुल ऐसे होते हैं, इनके ऊपर ना इधर आशिया होता है और इधर बाकी आपके पास लाइंस ड्रा होती हैं, उर्दू फॉर्मेट में ये पेपर आपके पास पेजेस होते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर ना इधर लेफ्ट राइट मार्जिन हाशिए जिन्हें बोलते हैं, वो नहीं लगे होते, तो वो लगाना बहुत ही एक अच्छी प्रैक्टिस है, लाजमी लगाएं, एग्जामिनर खुश होता है, ठीक है। मेन मकसद है एग्जामिनर को खुश करना, खुश कर दिया नंबर देगा आपको, आप जितनी आसानी उसके लिए पैदा करोगे वो उतने नंबर आपके लिए बनाएगा। अब क्या करना है, ब्लू मार्कर ले लेनी है, ठीक है। स्केल कौन सा लेना है, स्केल एक तो बच्चे लेते हैं बिल्कुल वैसे फुट वाला स्केल, वो छोटा सा स्केल प्लास्टिक है, ठीक है, लेकिन उसका एक नुकसान है, वो ये होता है कि इतना बड़ा पेज है वो स्केल इधर आता है, जब आप उसको नीचे लगाने के लिए लाइन ड्रा करने के लिए लगाते हो तो अक्सर लाइन आपकी टेढ़ी हो जाती है। तो इससे अच्छा है कि आप फुल लेंथ स्केल लेके जाएं, फुल बड़ा, वो जो बड़ा स्केल होगा आपके पास, यानी कि जो हाफ फुट का होता है उससे काम नहीं चलेगा, वो एक पूरा जो फुल साइज लेंथ का स्केल होता है, वो लकड़ी का भी होता है, वो स्टील वाला भी होता है, वो लेके जाएं, उसका क्या है बेनिफिट मिलेगा। आपने उस स्केल को इधर रखना है और यूं एक लाइन ड्रा कर लेनी है, यूं, ठीक है। और इसके साथ ही एक और यूं लाइन ड्रा कर लेनी है, मेरे पास स्केल तो नहीं है इसलिए लाइन सीधी नहीं लग रही, यानी कि इधर दो लाइनें, थोड़ा सा मार्जिन इधर छोड़ देना है, 1-2 सेंटीमीटर का इधर, और बिल्कुल करीब करीब एक दूसरे के लाइनें लगानी है, इनके उन लगे भी दो लाइनें हैं और कवर भी हो जाए, तो जाहिर सी बात है इधर भी 2 लाइन ड्रा कर लेंगे, 2 लाइनें हम इधर ड्रा कर लेंगे। तो अब ये क्या है, ये अभी आपके पास शीट नहीं आई, कौन सी शीट नहीं आई, यानी कि वो क्वेश्चन पेपर नहीं आया ऑब्जेक्टिव वाला, तो अभी टाइम पड़ा है, आप रिलैक्स होकर ईजी होकर इन पर अपनी लाइन ड्रा करें। अगर आप ड्यूरिंग एग्जाम, जब आपका 120 मिनट्स का ड्यूरेशन शुरू हो जाएगा तब करेंगे, तो देखें ये टाइम ज़ाया कर रही हैं आपका, तो टाइम ही तो ज़रूरी है, टाइम इज़ मनी, वो ज़ाया हो रहा है, अगर वो ज़ाया हो रहा है तो काम ख़राब हो जाएगा। इसलिए आपने सबसे पहले जब एग्ज़ाम आपका शुरू नहीं हुआ, अभी आपको ऑब्जेक्टिव नहीं मिला, सब्जेक्टिव नहीं मिला, तो आपने ये काम कर लेना और अपनी आंसर बुक को एकदम चकाचक डेकोरेट करके रख लेना। अब हो गया डेकोरेट, अब आपके पास टेक्निक शुरू होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सबसे पहले अभी मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव के होते हैं जी 2 पार्ट, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर आपके पास होते हैं जी 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। 2 क्यों होता है, क्योंकि 1 क्वेश्चन नंबर तो आपका ऑब्जेक्टिव हो गया ना, तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है 8 सवाल, 8 जूज होते हैं जिन्हें हम 8 जूज बोलते हैं, ठीक है, या 8 सब क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। उनमें से करने कितने होते हैं, आपने अटैम्प्ट कितने करने हैं, 5, टोटल कितने हैं 8, अटैम्प्ट कितने करने हैं 5, बाकी 3 एक्स्ट्रा। अब वो कहता है सर एक्स्ट्रा कोई फ़ायदा है, भाई एक्स्ट्रा का फ़ायदा होता है, अक्सर आपका क्वेश्चन आपको लगता है कि यार इस क्वेश्चन का आंसर ये बनता है,
लेकिन आपको पता होता है कि यार मुझे आगे वाला भी क्वेश्चन आता है, तो आप वो सॉल्व कराते हो। अब आपको जो लग रहा था, आपके टोटल 5 में से जो क्वेश्चन आपको लग रहा था कि इसका आंसर ये है, मे भी उसका आंसर वो ना हो, तो वो गलत हो गया। तो अब 4 सही हुए तो मार्क्स कितने बनेंगे, 8 मार्क्स बनेंगे। तो वो 8 तो नहीं चाहिए थे, 10 चाहिए थे। तो वो 10 का काम कौन करेगा, ये जो एक्स्ट्रा है आपने 3 में से जो आप एक एक्स्ट्रा करके हो गए 1-2, वो आपका आपके 10 की अमाउंट को वापस पूरा कर देंगे, रीफिल कर देंगे। अब अटैम्प्ट कैसे करना है, ये मैंने 4 शीट्स बनाई हैं, मल्टीपल होंगी। ये आपके पास है जी फर्स्ट पेज, ये इसका है जी फ्रंट और ये है जी इसका बैक, ये नेक्स्ट पेज का फ्रंट और नेक्स्ट पेज का बैक, ऐसे चलेंगे हम, ठीक है। यानी कि हमारे पास आ गया जी फ्रंट बैक पेज 1 और ये पेज 2, फ्रंट और ये उसका बैक। अब क्वेश्चन नंबर जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर ये टेक्निक होती है कि हमने शॉर्ट क्वेश्चंस को जब भी सॉल्व करना है तो क्वेश्चन शॉर्ट में लिखना है, हाफ पेज मैक्सिमम मिनिमम सेम, मतलब कि आपकी जो हाफ पेज के अंदर उसका आंसर फिल आ जाए। तो पहला तो हम वैसे ही हाफ पेज से शुरू करते हैं, तो यानी कि अगर ये नेक्स्ट पेज है तो इसके अंदर आपने क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करना है, यानी कि ए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी अटैम्प्ट करना है, सेकंड पार्ट अटैम्प्ट करना है, तो आपने इधर उसका नाम लिखना है और इधर इधर तक वो आपका क्वेश्चन एंड हो जाए, ठीक है। ये बहुत ही माकूल सा आंसर होता है, टू दी पॉइंट रहना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी एग्जामिनर के साथ, आपने जो पूछा है उसको टू दी पॉइंट बता देना है कि जी सर ये इसका आंसर है बस। अब एक्स्ट्रा बताएंगे लेंथ बड़ी होगी, टाइम ज़ाया होगा, अगले क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो इस झमेले में आपने नहीं पढ़ना, तो इससे बचना है। दूसरा, आपकी राइटिंग स्पीड कम से कम इतनी हो कि आपके पास 120 मिनट्स में से एटलीस्ट 10 मिनट्स एंड में बच जाए पूरा 60 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करने के बाद। अब वो बताऊँगा वो क्यों बचने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अब हमने क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको अटैम्प्ट करना है, छोड़ गए इनके सब्जेक्टिव को, तो इधर आप पेज पे लिखते हैं जी सब्जेक्टिव, ठीक है, ये आपने लिख दिया जी सब्जेक्टिव। अब ये किससे लिखना है, ब्लू मार्कर यूज कर सकते हैं या ब्लैक मार्कर, और ये जो लाइंस हैं ये आपने ब्लू मार्कर से ही लगानी है, ठीक है। तो इधर ब्लैक से लिखने कंट्रास्ट बड़ा अच्छा लगता है, ब्लू मार्कर से आपने सॉरी ब्लैक मार्कर से लिख दिया सब्जेक्टिव, ठीक है। इसके नीचे आप लिख देंगे शॉर्ट्स, ठीक है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पूरा भी लिख देते हैं टाइटल या शॉर्ट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट शुरू हो गए, अब आप इधर ब्लू मार्कर से हाईलाइट देंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का हाईलाइट दे दिया। अब आपने देखना है कि आपने सबसे पहले उसका कौन सा पार्ट करना है। यहां पर एक बड़ी अच्छी कोटेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये बड़ी अच्छी कोटेशन है, स्पेशली एग्जाम में बहुत ये यूज होती है। अब होता क्या है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके आपको पता है 8 पार्ट है, 8 पार्ट ऐसे होते हैं जी इसके, मैं इधर लिख देता हूँ, 8 पार्ट इसके होंगे जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये रोमन लैंग्वेज है, ये रोमन आपकी लैंग्वेज कह रहा हूँ, ये गिनती है, तो ये 1 होता है 2, 3, 4, तो आपने सब्जेक्टिव में से जैसे रोमन उठाया है नंबर, वही रोमन नंबर आपने इधर लिखना है, ठीक है। तो 1, 2, 3 नहीं लिखना, ये वाला काम खराब कर देगा, एग्जामिनर को कंफ्यूज करेगा, उसे पता नहीं लगेगा कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट है, वो गलत कर सकता है और वो चैलेंज भी नहीं होगा। तो इसलिए बच्चे हम लेट्स सपोज मुझे क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 नहीं आता, यानी कि ये वाला पार्ट नहीं आता, तो मुझे 2 बहुत अच्छी तरह से आता है, कोशिश तो करेंगे आपको पार्ट 1 आए, अच्छा आए, लेकिन आप कहते हैं सर मुझे इतना अच्छा नहीं आता जितना अच्छा मुझे पार्ट 2 आता है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इधर लिखना है ब्लैक से, किसे ब्लैक से सेंटर में, ये जी आपके पास सॉरी पार्ट 2 का रहना, तो पार्ट 2 लिख देना। अब पार्ट 2 लिखने के बाद आपने ये नहीं करना कि आपने पार्ट 2 लिखा तो आगे आप सारी वो लिखना शुरू कर दें, क्या चीज़ मतलब उसका क्वेश्चन लिखना शुरू कर दें जो आपको आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखा, नहीं, टाइम ज़्यादा होगा भाई, डायरेक्ट अब आपने लिख दिया, अब आपने इसका आंसर शुरू कर लेना। आपने आंसर लिखा, ये भी लिखा, ये भी लिखा, ये भी लिखा, ये भी लिखा, लिखते 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 आप पहुंच गए, लेट्स सपोज आपका इधर क्वेश्चन एंड हो गया, और आखिर में जहां पर आपका क्वेश्चन एंड हो वहां पर कोशिश करें कि एक आधी लाइन पेज की रख देनी है, एक आधी लाइन यहां पर छोड़ देनी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके अंदर क्या क्या अगर कोई डेफिनेशन है तो आप उसे हाईलाइट करें। हाईलाइट करने के लिए ये टेक्निक अक्सर यूज की जाती है कि
6699 जिसे हम बोलते हैं या कोटेशंस बोलते हैं, कोटेशन मार्क्स, वो हमने लगाने। अब ये जो लगाना है ये बड़ा अच्छा प्रैक्टिस है एग्जामिनर, हम जो स्टूडेंट है उसके लिए, कि उसे एग्जामिनर को वाजिया पता लगता है कि भाई ये कोई डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये लगाएं, ये बड़ा अच्छा इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर पे, ठीक है। अब इसके अंदर आपने जी इधर लिख देना, और ये लिखना किससे है, ये ब्लू मार्कर से, ये लिखना किससे है, ये चीज़ आपने किससे लिखनी है, ये आपने ब्लैक से लिख दिया, ये किससे लिखना है, पेन से। और ये कोटेशन मार्क्स हैं, ये आप ब्लू पॉइंटर से भी लगा, सॉरी ब्लैक पॉइंटर से भी लगा सकते हैं बड़ा बड़ा करके, या आप ब्लू मार्कर या ब्लैक मार्कर से भी लगा सकते हैं, ठीक है। और दरमियान में अगर कुछ वर्डिंग आपको लगता है कि यार ये वर्ड हाईलाइट होना चाहिए, ये इस आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर का दिल है, यानी कि मेन पॉइंट है, तो उसको आप ब्लू मार्कर से भी हाईलाइट कर सकते हैं, या वो ब्लू पेन से लिखा हुआ उसके नीचे एक ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन या ब्लू मार्कर से अंडरलाइन लिखा सकते हैं, तो हाईलाइट हो जाता है वो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की टेक्निक है। अब आ जाए इधर, अब आपने क्या करना है, इधर आपने नेक्स्ट अपना देखना है। आपने कहा सर मैंने पेज पे लगाया था तो ये मुझे आ गया था, अच्छा। मैंने कहा फिर, उसने कहा सर थर्ड आता है, मैंने कहा कर ले, ये थर्ड अटेम्प्ट किया। यहाँ पर आपका क्वेश्चन एंड हुआ, एंड में आपने एक लाइन छोड़नी है। देन आपने कहा सर मुझे क्वेश्चन नंबर फोर भी आता है, तो क्वेश्चन नंबर फोर भी कर ले। मैंने कहा यार ये किया, यहाँ पर एक लाइन छोड़ देनी है, ठीक है। उसके बाद आप आ गए जी इधर क्वेश्चन नंबर लेट्स सपोज एट, यानी कि इसके बाद आपने फाइव किया, सिक्स किया, सेवन किया, एट किया, नाइन किया, आप पहुँच गए लेट्स सपोज पेज नंबर फोर पे, ठीक है। पेज नंबर फोर का ये फ्रंट है और ये बैक है, ठीक है। आपने ऐसे चलना है, आपने किए कितने हैं, उसने कहा सर मैंने पाँच ही किए, अब मुझे पाँच पता थे। मैंने कहा कौन कौन से, उसने कहा एक सर ये और एक ये, कितने रह गए, एक दो और तीन। उसने कहा सर लेकिन वो एक्स्ट्रा मैं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं अगला पोर्शन कर लूँ फिर अगला करूँ। मैंने कहा तेरे पांच क्वेश्चन कुछ यूँ आए होंगे, पहला दूसरा तीसरा उसके बाद चौथा और पांचवा। मैंने कहा ये पेज छोड़ दे एक बार। उसने कहा सर क्यों, मैंने कहा ये एक्स्ट्रा के लिए छोड़ देते हैं, अगर तो टाइम बच गया तो एक्स्ट्रा अटैम्प्ट कर देंगे, अगर नहीं बचा तो इस पर क्रॉस लगा के निकल जाएंगे। अच्छा तो ये पेज आपने किया स्किप, लेट्स सपोज ये पेज इधर है, तो ये पेज आपने कर दिया स्किप। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर फोर, इसका फ्रंट आपका आया, पांच क्वेश्चन आपके पूरे हो गए, इधर इसका फ्रंट आ गया, तो ये आपके पास बनेगा पेज वन, ये इसकी बैक साइड। उसके बाद ये पेज टू का फ्रंट बनेगा, पेज थ्री की बैक, पेज टू का ये बैक साइड बनेगा, ठीक है। तो वो आप देख लेना, यानी कि यूं ये पहला पेज, ये उसकी बैक साइड, फिर ये अगले पेज का आपके पास फ्रंट आ जाएगा, जहाँ पर आपके इसके नेक्स्ट दो क्वेश्चन उसका फिर बैक साइड आ जाएगा, यानी कि पेज नंबर टू का। अब आपने ये पेज छोड़ दिया खाली, ठीक है। अब आप आगे इसके पेज नंबर, ये पेज नंबर टू का होगा जी बैक, और ये पेज नंबर थ्री का होगा फ्रंट, ऐसे बनेगा। तो ये आपने खाली छोड़ देना, बिल्कुल खाली। अब आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर टू, थ्री, क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री लिखने के बाद आपको पता है उसमें भी आपके पास आठ पार्ट होंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे जी पार्ट नंबर लेट्स सपोज वन, इसका आपको वन आता है, आपने ये वन लिखा। इधर लिखने के बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन एंड और ये एक लाइन छोड़ दी, उसके बाद आपने लिखा जी क्वेश्चन नंबर फोर। तो ये अब एक चीज़ इसमें ध्यान में ये रखनी है कि आपने जब भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है तो कोशिश करें आप पैटर्न में चलें। जैसे क्वेश्चन नंबर टू को मैंने अटैम्प्ट किया, मैंने सबसे पहले देख लेना भाई मुझे टू आता है, थ्री आता है, सिक्स आता है, एट आता है, ठीक है। अब मैंने ये नहीं करना कि टू लिखा उसका मैंने उसके बाद मुझे सबसे अच्छा सिक्स आता है तो मैं सिक्स लिखूँ, नहीं। स्टार्टिंग में आप कर सकते हो कि भाई पहला क्वेश्चन आप वो लिखें जो बहुत अच्छी तरह से आपको आता है, ताकि एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़े कि भाई बच्चे को अच्छी तरह से आता है। लेकिन अब आपने अगर क्वेश्चन नंबर टू आपको आता है या स्टार्टिंग के क्वेश्चन आता है, तो अब आप उसी तरतीब को कंटिन्यू रखें, ताकि एग्जामिनर गुस्सा ना हो, नाराज ना हो, यार ये क्या किया हुआ है, हलवा बनाया हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही, खिचड़ी पकी हुई है इधर। तो अब क्वेश्चन नंबर टू लिख दिया, उसके बाद कोशिश करें क्वेश्चन नंबर थ्री लिखें, फिर फोर, या पैटर्न को फॉलो करें। अगर फोर है, फाइव नहीं आता, तो देन सिक्स लिखें। ये ना हो कि आपने फोर लिखा, फोर के बाद इधर फोर लिखा, उसके बाद आपको याद हो मुझे तो टू भी आता था या वन भी आता, तो इधर वन लिख दें। तो ये ठीक है, वैसे तो गलत नहीं है, लेकिन आप एग्जामिनर के लिए डिफ़िकल्टीज पैदा कर रहे हैं, और ये में भी हो सकता है क्वेश्चन स्किप हो जाए, पता ना लगे, तो ख़राब हो सकता है। तो एग्जामिनर की आसानी है इसे कि आपने पैटर्न में चले। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी थी वो ये थी कि आपने ये पेज छोड़ दिया है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो पेज नहीं छोड़ते, वो क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को इधर लिखते हैं, शुरू कर देते हैं, इसके वो पूरे पूरे पांच करते हैं। जब टाइम मतलब पेपर टाइम पे फिर उन्हें याद आता है, ओहो मुझे तो क्वेश्चन नंबर टू का क्वेश्चन नंबर सिक्स तो आता था, मैंने तो गौर ही नहीं किया, अब मैं इसे कहाँ लिखूँ। वो क्या करता है, क्वेश्चन नंबर थ्री के ही किसी आगे वाले पार्ट के अंदर
क्वेश्चन नंबर थ्री चल रहा है, इसी में आगे जाके लिख देते हैं जी पार्ट नंबर सिक्स। लेकिन आंसर कौन से का लिख रहा है, आंसर कौन से का लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट सिक्स का। एग्जामिनर को क्या लग रहा होगा, एग्जामिनर को लग रहा होगा यार ये आंसर लिख रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री के पार्ट सिक्स का, मेंशन तो किया नहीं। अब क्या होगा, एग्जामिनर गलत कर देगा क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर मैच नहीं कर रहे होंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने ये पीएचडी का एक्स्ट्रा छोड़ा, ताकि अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना भी है तो क्वेश्चन नंबर टू के हिस्से में ही आए, एग्जामिनर के लिए डिफिकल्टी ना हो। अब क्वेश्चन नंबर थ्री आ गया, पार्ट वन, पार्ट वन सॉल्व किया लाइन छोड़ दी, पार्ट ये वाला सॉल्व किया लाइन छोड़ दी, ऐसे किया टू हो गया थ्री, पार्ट फोर, पार्ट फाइव, पार्ट ठीक है पांच, लाजमी नहीं सीक्वेंस, पैटर्न में चलना है, सीक्वेंस में चलना है, स्किप कर सकते हो। उसके बाद अब आपने सेम यही काम इसके लिए कर देना है, क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए एक पेज छोड़ देना, छोड़ दिया। उसके बाद अगर आपका क्वेश्चन नंबर थ्री का पांचवा पार्ट इस जगह पर एंड हो रहा है, तो आप सिर्फ इतनी जगह छोड़ सकते हो, एक्स्ट्रा पेज नहीं छोड़ सकते, ताकि आप क्वेश्चन नंबर थ्री में से सिर्फ एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करें, क्योंकि अगर आप एक ही अटैम्प्ट करते हो आगे वाला पेज वैसे ही खाली रहेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आप पेज आपका बच रहा है और वहाँ पर आपका एडजस्ट हो सकता है आंसर, तो आगे एक्स्ट्रा पेज ना छोड़ें, ठीक है। अगर आपके फ्रंट बैक पर पूरे पूरे क्वेश्चन आ रहे हैं, देन आप एक पेज एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं पाँच के अलावा, अगर छठवां क्वेश्चन की जगह बन रही है तो फिर आप पेज ना छोड़ें, ठीक है। अब फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वापस आ जाना है इधर, क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया, अब आपको पता है क्या, इसके बाद आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर फोर, फिर इसके ऐसे पार्ट करने हैं अटैम्प्ट, सेम टेक्निक, पहले जो पैटर्न है उसी में मुताबिक चलें, पाँच करने के बाद अगर छठे की जगह बचती है नीचे तो छोड़ दें, नहीं बचती तो ना छोड़ें, अगले पेज पर एक पेज आप छोड़ दें, वो पेज बन गया। अब आपके पास हो गए जी सब्जेक्टिव पोर्शन, यानी कि आपने कितने क्वेश्चंस किए, आपने कहा सर मैंने टोटल 15 क्वेश्चंस किए मल्टीप्लाई बाय 2, द आंसर इज 30, विच इज़ योर मार्क्स, ये आपके 30 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट हो गया, फाइनल क्लियर, ऑल क्लियर, ठीक है 30 मार्क्स का हो गया। लेकिन उसने कहा सर अगर कोई गलत हो गया, मैंने कहा उसके लिए तो ये जगह छुड़वाई हुई, अभी तो चुप करके लेक्चर सुनो, उसने कहा ठीक है सर सॉरी सर। अच्छा अब ये अटैम्प्ट हो गए, तो अब हमें पता है कि हमारे पास सब्जेक्टिव का कौन सा पार्ट शुरू हो गया होगा, पार्ट बी, कौन सा पार्ट बी, या सॉरी पार्ट बी कह रहा हूँ, पार्ट दोम, ठीक है सेकेंड पार्ट। अब इसके अंदर आपको पता है कितने क्वेश्चन हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है जी ये है। आपको पता है ये भी 9 नंबर का, ये भी 9 नंबर का, ये भी 9 नंबर, लेकिन करने कितने हैं 9 × 2 विच इज इक्वल टू 18, अटैम्प्ट कितने करने हैं ओनली 2। अक्सर बच्चे तो इसमें भी एक्स्ट्रा अटैम्प्ट कर रहते हैं, लेकिन टाइम चूंकि शॉर्ट होता है तो हम इस पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स ये नहीं दे रहे, ये 18 नंबर दे रहे हैं, ये 30 नंबर दे रहा है, तो कोशिश करते हैं हम शॉर्ट पे फोकस करते हैं, ज़्यादा नंबर वाली चीज़ पे फोकस करते हैं, ज़्यादा नंबर आए। अच्छा अब आपने इसको कैसे अटैम्प्ट करना है, ये हम पहुंच गए, लेट्स सपोज हमारे पास ये जी पेज नंबर चल रहा है 10, ठीक है ये 10 का है जी फ्रंट, और ये 10 का है जी बैक साइड, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को अटैम्प्ट करने के बाद अब हम आ गए हैं पार्ट बी। अब आपने क्या लिखना है, आपने इधर क्या लिखना है, ये शॉर्ट लिखे थे तो इधर आपने क्या लिखना है, एक्सटेंसिव, सॉरी एक्सटेंसिव लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, या आप इसकी जगह लिख सकते हो लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर क्या करना है, अब आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जी आपके पास 2 करने हैं टाइम, तो सबसे पहले टेक्निक इसमें क्या है, इसके अंदर टेक्निक ये है कि इसके अंदर आपके पास है जी 2 चीज़ें, एक टर्म है जी आपके पास थ्योरी, ये रेड से आपने कुछ नहीं लिखना, ये सिर्फ रेड पेज को इंडिकेट कर रहा है या की पॉइंट्स या जो चीज़ें आपने जेन में रखने हैं, उसके लिए आपने सिर्फ 2 ही कलर यूज़ करने हैं, ब्लैक एंड ब्लू, इसके अलावा किसी कलर की तरफ नहीं आपने जाना, ना ही इसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। थ्योरी जो है आपके पास वो होती है जी 4 मार्क्स की, और न्यूमेरिकल होता है जी 5 नंबर का। दूसरा, थ्योरी को सॉल्व करने के लिए आपको 5 से 7-10 मिनट तक भी लग जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल आपको आता है सही तरह से आता है तो न्यूमेरिकल पे मैक्सिमम 3 मिनट लगते हैं, तो फिर टाइम कौन बचा रहा है, नंबर कौन ज़्यादा दे रहा है, न्यूमेरिकल टाइम भी बचा रहा है। तो अब यही टेक्निक आपने इधर लगानी, आपने क्या लिखना है, लेकिन पैटर्न वही रखना है,
आपने लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर 6 का आपको न्यूमेरिकल बहुत कमाल आता है, तो आपने इधर क्या लिख देना है, और पांचवें का आपको क्या नहीं आता, क्या कहते हैं पांचवा आपने करना ही नहीं है, टाइम आपने कौन सा करना है 6 और 7, तो क्वेश्चन नंबर 6 लिख दिया। अब आपने इधर सेंटर में क्या लिखना है, ब्लैक से सेंटर में लिखना है जी न्यूमेरिकल। इतने पोर्शन पे इजीली आपका न्यूमेरिकल हल हो जाएगा, तो कितने मार्क्स क्योर किया आपने, 5। अब नेक्स्ट पेज पे अब ये नहीं होगा कि आप 7 का भी इधर न्यूमेरिकल करेंगे, गलत नहीं, ऐसे नहीं करना। अब इसके दो हल हैं, जहाँ तो आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन नंबर थ्योरी है इसकी 4 मार्क्स की, क्वेश्चन नंबर 6 की पार्ट ए जो है आपको पता है सर 2 या 3 पेज पे आ जाएगा, तो उसमें सर ऐसे करते हैं जैसे हमने पीछे टेक्निक यूज़ की कि ये पेज इससे अगला पेज और उससे अगला पेज ये स्किप कर देते हैं, लेट सपोज हम 12 पेज की बैक साइड या फ्रंट साइड पर पहुंच जाते हैं, फिर आपने इधर लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 और इसका पहले कौन सा पार्ट अटैम्प्ट करना है, बी पार्ट अटैम्प्ट किया, इसका पूरा आपने न्यूमेरिकल हल कर लेना है, ठीक है, आपका 5 और 5 10 नंबर का अटैम्प्ट हो गया, बाकी इतने रह गए 8 मार्क्स। अब आपने क्या करना है, आपने ये लिख लिया, ये अटैम्प्ट कर दिया, अब आप इसे वापस क्वेश्चन नंबर 6 से नेक्स्ट पेज पे आएंगे, जो पेज आपने छोड़ा था यहाँ पर आप लिखेंगे ए लिखने के बाद अब आपने डायरेक्ट आंसर नहीं शुरू करना, कोशिश करेंगे जिस टॉपिक पे आपको लॉन्ग मिला हुआ है उस टॉपिक के अंदर नाम मेंशन कर दें, लेट्स सपोज मुझे और किससे मेंशन करना है, ब्लू मार्कर से, ठीक है। अब लेट्स सपोज मेरे पास टॉपिक है जी, मुझे टॉपिक मिल गया जी कैपेसिटर, ठीक है जी, तो यूं करके आपने क्या करना है, उस टॉपिक को हाईलाइट कर देना और उसका लॉन्ग शुरू कर देना, और आपको पता है कि आपके पास 3 पेजेस है तो 3 पेजेस पे आपने उसे किसी तरह मैनेज करना है, एक्स्ट्रा पेज आइट के बाद आपने छोड़ा होगा तो आपको आपने 2, 2.5, 3 के करीब करीब पेजेस पे इसे पूरा करना है, क्वेश्चन नंबर 7 आ जाएगा, उसका पार्ट है आप ऑलरेडी अटैम्प्ट कर चुके हैं नेक्स्ट पेज पे, अब आपने अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए। अब क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट ए जी लेट्स सपोज सिंपल हार्मोनिक मोशन पे, तो आप इधर लिखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इधर जगह नहीं है इसलिए लिखो रहा, लेकिन आपके पास उधर बहुत जगह होगी तो आप इसे लिखें, तो आप जब इसको अटैम्प्ट करके देखेंगे तो आई थिंक आप लास्ट शीट पे फिर रहे होंगे, सेकंड लास्ट है उससे पीछे वाली, तो आपकी सारी शीट्स तकरीबन आप फिल कर चुके होंगे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट भी अटैम्प्ट करने के बाद, इसका मतलब है कि यहाँ से हमने अपने 18 मार्क्स को स्क्योर कर लिया है, ठीक है। अब 30 तो स्क्योर थे, 12 तो अब हो नहीं सकते क्योंकि वो ऑप्शन थे, ठीक है, तो फिर हम कर क्या सकते हैं, अब क्या बच गया आपके पास, अब आपके पास बच गए इन पेजेस में खाली स्पेसेस जो आपने छोड़ी थी, इधर छोड़ी थी, इधर छोड़ी थी, इधर छोड़ी थी, ये बच गई। दूसरा टाइम भी बचाना है आपने, तकरीबन 10 से 15 मिनट आपने लाजमी एंड में बचाने हैं। अब करना क्या है, ये काम हो गया सारा, अब क्वेश्चन नंबर आपने 2 में एक पेज छोड़ा था याद है, उस पेज के ऊपर आपने उसके 5 पार्ट में से लेट्स सपोज क्वेश्चन नंबर आपको आ गया है, आपको क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया है जी, क्वेश्चन नंबर 6 आपको पता है, तो आप इधर क्वेश्चन नंबर 6 लिख दें। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 7 आता है, यहाँ पर एंड हुआ ये लाइन छोड़ी, क्वेश्चन नंबर 7 आता है तो लिखेंगे, कि नहीं आता तो छोड़ दें बस, उसके बाद ये जो इतनी जगह है खाली छोड़ दें, उसके बाद जो पेज का स्पेस हाफ पेज की या फुल पेज छोड़ा है किसमें, क्वेश्चन नंबर 3 में, अब आपने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 के उसी हिस्से को, क्वेश्चन नंबर 3 के उस पेज पर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो आपने अटैम्प्ट करना है, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 4 का जो पेज छोड़ा है या हाफ पेज छोड़ा है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के ही पार्ट में से कोई पार्ट जो आपको आता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन के तौर पर आपने अटैम्प्ट करना है। उसकी वजह क्या बनेगी कि अगर आपके 5 में से क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 5 में से कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो क्वेश्चन नंबर 6 चेक हो जाएगा और टोटल मार्क्स आपके कितने रहेंगे वापस 10 के 10, अगर ना करते एक्स्ट्रा अटैम्प्ट ना करते तो कितने बनते 8, जो कि नंबर कम कर देते, तो इससे बचना है, ठीक है। अच्छा एक इसमें चीज़ क्या ख्याल रखनी है कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 को अटैम्प्ट किया तो पहले आपने क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट भी अटैम्प्ट किया अपना सिर्फ टाइम बचाने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने ये नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट भी है फिर आपने पार्ट बी इधर लिख दिया क्वेश्चन नंबर 7 का वो अटैम्प्ट करें, नहीं ये काम खराब है। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर पार्ट बी किया तो क्वेश्चन नंबर 6 का ही नेक्स्ट है आप ए लिखेंगे, ये भी नहीं हो सकता कि आप क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी कर दें क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी कर दें क्वेश्चन नंबर
फाइव का भी पार्ट बी कर दें, तो आपके से कोई से दो पार्ट सेलेक्ट किए जाएंगे, वो अब एग्जामिनर पे चला जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। अब रह गए आपके पास कितने मिनट्स, अब आपके पास बच गए जी एंड में 10 मिनट्स, ठीक है। और ये जो हाईलाइटिंग वाला चीज़ है ये तो आप साथ साथ करते जाएंगे, जो एंड में हाईलाइटिंग जो अंडरलाइन वाला है वो आपने साथ साथ नहीं करना है, टाइम ज़्यादा होगा क्योंकि बार बार पॉइंटर और स्केल निकालेंगे। अब स्केल आपने क्या करना है, दो स्केल लेके जाने, एक लेंथ के लिए एक छोटा स्केल, कैलकुलेटर आपको पता है आपको होता है, तो छोटा स्केल वो तो आपको न्यूमेरिकल्स में आ जाता है, तो छोटा स्केल आपने लेके जाना है। अब उसके लिए क्या करना है, आपने ये एक लाइन छोड़ी थी याद है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन एड हुआ था यहाँ पर एक लाइन, तो अब आपने क्या करना है, ब्लू मार्कर लेनी है और यहाँ से यहाँ तक इतनी सी एक लाइन लगा देनी है, इधर क्वेश्चन एंड हुआ इधर लाइन लगा दी, क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट बी था एंड हुआ इधर लाइन लगा दी, क्वेश्चन नंबर सिक्स का पार्ट ए आपके पास कहीं पे भी एंड हो रहा है लेट्स सपोज, उसके नीचे आपने लाइन लगा दी। इसका क्या है, ये बड़ा अच्छा इंप्रेशन डाल रहा है एग्जामिनर पे, क्या डाल रहा है कि उसे पता है कि क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट टू कर रहा है इसने लिखा, और यहाँ पर जब वो लाइन देखेगा ना उसे आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर ये एंड हो गया, तो वो इधर ही आपको मार्क्स दे के आगे निकल जाएगा। अब होता क्या, बच्चे ये लाइन्स नहीं भी लगाते, अच्छी प्रैक्टिस है, लगानी चाहिए, क्या तो एग्जामिनर को लगता है यार ये एंड हुआ है या नहीं, वो आगे देखता है फिर वो वापस पीछे आता है, तो इससे उसको बड़ा अच्छा इंप्रेशन मिलता है कि यार ये बच्चे के स्टार्ट में उसे पता लग जाता है कि जहाँ पर ये लाइन आएगी ना वहाँ पर इसका आंसर एंड हो जाएगा, तो यहाँ पर एंड हो गया, यहाँ पर एंड हो गया, यहाँ पर एंड हो गया, तो आपने पूरी अपने पेपर पे ये लाइंस लगा देनी है, यानी कि एंडिंग लाइंस कह लें आप इन्हें, ठीक है, एंडिंग लाइंस, ये एंडिंग लाइंस आपने लगा देनी है हर क्वेश्चन के एंड में, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन है चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर अब भी टाइम बच गया है तो अब लास्ट चीज़ वो आपने क्या करनी है, अपने लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाना है, आपके पार्ट ए हो गए दोनों के, सेवन का है सिक्स का है या फाइव का जो भी आपने चूज़ किया, उसके अंदर आपने मेन हाइलाइटेड वर्ड्स ढूंढने हैं और उनके नीचे ब्लू मार्कर से आपने डिफरेंट जगह पर जो मेन कीवर्ड्स होंगे आपके उनको क्या कर देना है, हाईलाइट। इनको हाईलाइट करने के बाद आपका टाइम पूरा हो जाएगा, एग्जामिनर आएगा देखेगा और आपसे पेपर फोरी लेकर, यानी कि आपसे पेपर लेकर वो चला जाएगा, ठीक है। पेपर भी 100% अटैम्प्ट किया, प्लस अगर एक क्वेश्चन इधर से अटैम्प्ट किया, इधर से अटैम्प्ट किया, इधर से अटैम्प्ट किया, यानी कि सिक्स और टू थ्री और फोर से अटैम्प्ट किया, तो 6 नंबर का पेपर आपने एक्स्ट्रा अटैम्प्ट किया, 66 मार्क्स का पेपर आपने अटैम्प्ट किया। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो क्वेश्चन नंबर टू के पार्ट दो भी कर देते हैं, कितने, दो पार्ट इधर से कर लेते हैं, दो पार्ट इधर से, और क्वेश्चन नंबर फोर का एक पार्ट करते हैं, तो वो टोटल 10 मार्क्स का पेपर उससे एक्स्ट्रा भी करके आते हैं अटैम्प्ट, ताकि अगर खुदा ना खासा किसी जगह पर कोई क्वेश्चन का उन्हें लगा था ये आंसर है लेकिन आंसर कुछ और था गलत हो गया, तो वो सही हो जाता है और उनके पूरे के पूरे 60 मार्क्स आ जाते हैं। तो इस टेक्निक को आपने फॉलो करना है, रिजल्ट आए आपके अच्छे नंबर आए तो मुझे ज़रूर याद करना है, मेरे हक में भी दुआ करनी है और कमेंट में भी बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।